दोस्तों मायशे रसोई में आज हम बनेंगे चने की दाल का एक ऐसा नाश्ता जो सभी का ऑल टाइम फेवरेट होता है। बहुत ही क्रिस्पी होता है, काफ़ी मज़ेदार होता है, जिसे आप दो तरीके से सर्व कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 चम्मच घी में और 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो अच्छा लगे प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो चने की दाल का मजेदार नाश्ता बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको जरूरत होगी भीगी हुई चने की दाल की, जिसे आप चाहें तो पूरी रात के लिए भिगो सकते हैं या 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें, जिससे दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद दाल में जितना भी पानी है आप उसे ड्रेन आउट कर दें और दाल को एक चलनी में ले लें। और अब बारी है दाल को पकाने की, तो उसके लिए 1 कप जितना पानी लिया और इस पानी में आपको डालनी है 1/2 चम्मच जितनी हल्दी और साथ ही 1/2 चम्मच ही नमक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, कोई और मसाला नहीं डालना है, बस अच्छे से मिक्स कीजिए और एक बढ़िया सा उबाल आने दीजिए। जैसे ही उबाल आए आपने वो जो दाल चलनी में रखी थी वो डाल दीजिए। फ्रेंड्स जब हम दाल पकाते हैं तो ज़्यादातर प्रेशर कुक करते हैं, लेकिन इसे आपको प्रेशर कुक नहीं करना है, आप इसे खुला पकाइए, जिससे आपकी इस पे हर पल निगाह रहेगी। क्योंकि इसके लिए जो आपको दाल की ज़रूरत है वो दाल तो अच्छे से पक जाए लेकिन मैसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसे करीब 4 मिनट तक पकाया और आप देख सकते हैं कि दाल हमारी अच्छे से दब तो रही है, यानी पक तो गई है, लेकिन एकदम दाना अलग अलग है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ करें और इसे फिर से चलनी में डाल दें, जिससे पानी निकल जाएगा। और अब हम बनाएंगे इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार स्टफिंग। फिर से गैस ऑन करिए, कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में अब आ रही है घी डालने की। इसके लिए या तो आप बटर का इस्तेमाल करें या देसी घी का इस्तेमाल करें, नॉर्मल कुकिंग ऑयल में वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो बस थोड़ा सा घी डाल दीजिए, बस इतना घी आपको ज़रूरत होगी कि आपका ये जो बॉटम है ना वो अच्छे से ग्रीस हो जाए। तो बस घी भी अच्छे से मेल्ट होने लगा है। उसके बाद आपको इसमें जीरा, अजवाइन, राई, करी पत्ता कुछ नहीं डालना है। आप इसमें डाल दीजिए 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, अगर ज़्यादा तीखी हैं तो कम भी ले सकते हैं। एक बढ़िया से क्रंच के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 4 काजू, जिसे छोटा छोटा कट कर लिए है। एक तो इससे आपका नाश्ता काफ़ी रिच टेस्ट का तैयार होगा और इसकी जो बाइट आती है ना वो तो बहुत ही मज़ेदार होती है। और इसे एक अच्छा सा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए फ्रेंड्स आपको इसमें चीनी या टमाटो सॉस नहीं डालनी है। इसमें डालिए 15-20 किशमिश के दाने, काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। और जैसे किशमिश हल्की सी फूले, अंगूर जैसी लगने लगे, आप उसमें डाल दीजिए वो दाल जिसके आपने सारा पानी ड्रेन आउट करके रखा है। और इसे एक अच्छा सा कलर देने के लिए, हरा भरा सा करने के लिए थोड़ी सी हरी मटर जिसे हल्का सा उबाल लिया है, 1/4 टीस्पून जितना नमक डाला, 1/4 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, और ये गया फ्रेंड्स हरा धनिया। आपको इसमें और कोई मसाला नहीं डालना है। ये जो स्टफिंग होती है काफ़ी लाइट सी होती है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग तो तैयार हो गई है और इसमें सारे टेस्ट हैं, लेकिन अभी अच्छे से भुनी नहीं है। तो आप बीच में थोड़ी सी जगह करें, अगर आपको थोड़ा गीला गीला लग रहा है ना तो फ्लेम को हाई कर दीजिए और 1 से 1.5 मिनट भूनिए। और जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए तो समझिए स्टफिंग तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे कर लेंगे पूरी तरीके से कूल डाउन। और इसके बाद मैंने ले लिया है ये 5-6 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इस रेसिपी के लिए आप इंदौरी आलू ले सकते हैं, चिप्सोना ले सकते हैं, पहाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो आलू होते हैं इनमें पानी का कंटेंट बहुत ही कम होता है, काफ़ी ड्राई से होते हैं। और बस आलूओं को उबालते हुए भी आप ध्यान रखें कि जो आप आलू उबाल रहे हैं वो ओवर कुक ना हो, यानी कि 1 सीटी लगाएं, गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और प्रेशर को रिलीज़ करें। और आलूओं को ठंडा करने के लिए आप फ्रीज में रख दें और उसके बाद आप आलूओं को इस्तेमाल करें। यह बहुत अच्छा होगा कि आप आलू को पूरी रात के लिए फ्रीज में रख दें और सुबह इससे बनाएं तो और भी बढ़िया बनेगी। तो बस आलूओं को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद आपको इसे ग्रेट नहीं करना है, आप इसमें डाल दीजिए हरा धनिया। और धनिया के साथ ही हम इसमें कुछ एकदम बेसिक से मसाले डालेंगे, ये क्या टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/4 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्ची डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। नेचुरल खटास के लिए हम डाल रहे हैं नींबू का रस, आप इसमें अमचूर पाउडर ना डालें। और ये मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर। फ्रेंड्स अगर कॉर्नफ्लोर से बनाएंगे एक तो क्रिस्पी बहुत बनेगी और साथ ही फटाफट सीख कर तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है
या आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं, चावल का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी क्रिस्पी तो बहुत बनेगी, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगी। तो बस आलू को अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने डो तैयार किया है काफ़ी ड्राई सा है, लेकिन अगर आपका डो गीला है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर को बहुत ज़्यादा ना मिलाएं, उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि इसमें कॉर्नफ्लोर का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो बहुत ही अच्छा है कि आप आलू को उबालते हुए ध्यान रखें कि उसे पूरी रात के लिए फ्रीज में रख दें, और सुबह को जब आप उसे टिक्की बनाएंगे ना तो वो काफ़ी पानी का कंटेंट कम होगा, बहुत ही मज़ेदार टिक्की बनेगी। तो चलिए टिक्की के लिए बॉल तैयार हो गया और इधर जो स्टफिंग थी ये भी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो अब टिक्की के लिए एक एक बॉल लेते जाएंगे, या आप समझ सकते हैं नाश्ते के लिए एक एक बॉल लेते जाएंगे। और इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैट किया और 2 चम्मच जितनी स्टफिंग डालेंगे, जैसे नॉर्मली हम भरवा पराठे या कचौड़ी सिक्योर करते हैं बिल्कुल उस तरीके से सिक्योर कर लेंगे, और साइडों को हल्का सा प्रेस करते जाइए। और ये लीजिए सारी हमारी टिक्की तैयार हो गई हैं। अब बारी है सेकने की। तो सेकने के लिए मैंने तो इस्तेमाल किया है देसी घी, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून जितना देसी घी लगेगा, और आप चाहें तो कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप जो बर्तन लें वो थोड़ा सा इस तरीके से चौड़ा होना चाहिए, उसका जो बॉटम हो वो भारी होना चाहिए, और साइडों को हल्का हल्का सा प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि थोड़े से घी में ही आपकी जो टिक्कियाँ हैं ना वो अच्छे से सिक जाएंगी। अगर आपने साइडों को अच्छे से प्रेस नहीं किया तो कई बार होता है ना किनारे कच्चे से रह जाते हैं, तो बस साइडों को अच्छे से प्रेस कर दें और बर्तन में जितनी एक बार में आराम से आ पाएँ उतनी डाल दीजिए। और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये करीब आधी डूब रही हैं, तो और आप किनारे देख सकते हैं लाइट ब्राउन होने लगे हैं। फ्लेम को स्टार्टिंग में एकदम स्लो रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मीडियम कीजिए, और उसके बाद आपको फ्लेम को कर देना होगा हाई, जिससे इस पर कलर बढ़िया आ जाए। तो पहले तो मैं सेक रही हूँ इसे एकदम स्लो गैस पे, और जब आउटर लेटर लेयर हल्का सा सिक जाए, थोड़ा सा क्रंची सी लगने लगे, फ्लेम को कर दिया है मैंने अब मीडियम। ओवरऑल इसे सेकने में मुझे करीब 6 से 7 मिनट का समय लग गया है, और ये देखिए फ्रेंड्स अब 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारा ये जो नाश्ता था ना बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो गया है, कलर बहुत बढ़िया आया है, और इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो आवाज़ भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं कि इसे टिश्यू पेपर पे ले लेते हैं और उससे ये काफ़ी सोगी सा हो जाता है, तो बस आप इसे डायरेक्ट प्लेट पे लीजिए, आप चाहे तो चलनी पे ले सकते हैं। तो चलिए पहले तो एक बार सर्विंग कर लेते हैं। पहला तो तरीका है फ्रेंड्स, आप इसे इस तरीके से सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। मैंने रखी हरे धनिये की चटनी, मीठी चटनी और उसके साथ ये दही सर्व कर दिया है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार। एक गर्मा गर्म चाय रखें, बहुत ही बढ़िया, ये हमारी टिक्कियाँ तैयार है और क्रिस्पी देखिए कितनी बनी है। तो चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं, उसके लिए आप टिक्की को हल्का सा ब्रेक कीजिए। ये तरीका है फ्रेंड स्ट्रीट स्टाइल, जैसे कि सड़क किनारे जब हम ठेले पे खाते हैं तो उस पर डाल दिया एकदम अच्छे से फिटा हुआ हल्का सा चीनी गिरा हुआ दही, जिससे दही काफ़ी देर से खट्टा होता है। हरे धनिये की तीखी वाली चटनी डाल दी, और ये रह गई खजूर की मीठी चटनी, और उसके बाद वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने थोड़े से प्याज डाले हैं, थोड़े से अनार के दाने डाले हैं, उसके साथ ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और चाट मसाला डाल दीजिए, है ना फ्रेंड्स। ये नाश्ता बनाने का बहुत ही मज़ेदार और एकदम आसान तरीका, आप लोगों को उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि टेस्ट ही बहुत बनेगा, टाइम बहुत ही कम लेगा, और स्पेशल बात है आपको बाजार से कुछ भी नहीं लाना होगा। इस तरीके से इस वीडियो को एक बार जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।